हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेटा। आज हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, चैप्टर नंबर 7, इशू ऑफ शेयर्स का हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। देखो, ओवर सब्सक्रिप्शन वाला टॉपिक पहले आप एक बार देख लें, इंट्रोडक्शन देख लें एक बार कि इसमें क्या होता है, और सेम फिर ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। ज्योति पवार लिमिटेड पावर लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू शेयर 850,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। ईच एट द प्रीमियम पर, मतलब 10 वाला 13 में इशू किया है। द होल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन, सारी की सारी पैसा एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर 20 लाख शेयर्स वर रिसीव्ड, लेकिन हमने इशू करे थे 850,000, पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाइड किया है 20 लाख, तो मतलब एक्सेस कितना हो गया 11,50,000 के लिए पब्लिक ने ज़्यादा अप्लाइड किया है। वो कह रहा है एप्लीकेशन फॉर 3 लाख वर रिजेक्टेड, 3 लाख रिजेक्टेड कर दिए, एंड शेयर वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेशन ऑन प्रो डेटा बेसिस। मतलब 8,50,000 के लिए जो ऑफ़र हमने किए थे, 20 लाख वाले को 8,50,000 रुपीज़ दिए हैं और 3 लाख रिजेक्टेड कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है एंट्री करनी है। अब इसमें इनडायरेक्टली ना ये यही तो कहना चाह रहा है, भाई देखो 3 लाख तो ये वाले रिजेक्टेड कर दिए है ना, और जो बचे अब बचे कितने, 20 लाख में से 3 लाख तो रिजेक्टेड ही कर दिए, तो 17 लाख बचे है ना, 17 लाख बचे, तो 8,50,000 17 लाख वालों को, जिन्होंने 17 लाख के लिए अप्लाई किया है, हमने उनको कितने अलॉटेड किए हैं 8,50,000। इनडायरेक्टली जो बच गए हमारे जो एक्सेस हैं वो भी हमने रिजेक्ट ही किए हैं ना, ठीक है। तो बच्चे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, 3 लाख तो हमने ये रिजेक्ट किए हैं, और इनडायरेक्टली 17 लाख वाले जो बचे हुए हैं एक तरह से, उनको भी हमने 8,50,000 ही अलॉट किए हैं। तो सीधा सीधा ये कहना चाह रहा है कि टोटल हम देखें तो हमारे 11,50,000 रिजेक्ट किए हैं हमने एक तरह से इनडायरेक्टली, ठीक है। तो कुछ बच्चे यहाँ इसे देख के ही कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, बस इसी को रिजेक्ट में टू बैंक कर देंगे, लेकिन सीधी बात है, कहने तो यही चाह रहा है ना वो कि 3 वो और 9 और यहाँ पर कितने आएगा हमारा, आ जाएगा ये एक मिनट 8,50,000 एक तरह से ये वाले भी तो रिजेक्टेड हो गए, तो टोटल अगर मैं इन दोनों को करूँ तो कितने रिजेक्टेड हो गए 11,50,000। आ गई बात समझ में, इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन में सिर्फ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है बच्चों को। चलो क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन पे कितने रुपीज़ हैं, कुछ नहीं कह रहा, तो 13 के अकॉर्डिंग हमें पैसा मिल जाएगा। तो हम एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट सबसे पहले तो एप्लीकेशन रिसीव होती है टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है बेटा, एप्लीकेशन अकाउंट कितना 8,50,000, हमारे पास पैसा तो 20 लाख के अकॉर्डिंग आया होगा, 20 का 13 के अकॉर्डिंग, तो कितना आ जाएगा 36, टू करोड़ 60 लाख रुपीज़ आ गए थे हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, देखो एप्लीकेशन तो मनी कितने से रिसीव्ड हुआ है, पब्लिक ने तो 20 लाख के लिए अप्लाइड किया है ना, तो वो तो 20 के अकॉर्डिंग ही पैसा देंगे, क्लियर हो गया। तो हमेशा आपको पता है एप्लीकेशन मनी किसके अकॉर्डिंग मिलती है, जितना पब्लिक ने अप्लाई किया है, 2 करोड़ 60 लाख आ जाएगा, ठीक है। बट अब जब ड्यू करेंगे तो हम उतने ही ड्यू करेंगे जितने हमने ऑफ़र किए हैं, और जो बच गए उसको क्या कर देंगे, हम रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि अलॉटमेंट की कोई बात नहीं की है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी शेयर कैपिटल में उतना ही जाएगा जितना हम ऑफर करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ही है, टू सिक्योरिटी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 10 रुपीज़ तो कैपिटल में और 3 प्रीमियम में, ठीक है। और जो बच गए सारे वो रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्ट के लिए क्या आ जाता है, बैंक पैसा चला जाता है, आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना, एक मिनट टेबल को ठीक कर लो। देखो 2 करोड़ 60 लाख तो यहाँ आएंगे, ठीक है, जबकि 60 लाख, लेकिन हमारा जबकि आना कितना था, इसमें वो एप्लीकेशन मनी आती है जो हम ऑफ़र करते हैं, 8,50,000 हमने ऑफ़र किए थे 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 85 लाख। क्लियर हो गया, पब्लिक हमने तो ऑफ़र किए हैं 85 लाख, अब एप्लीकेशन मनी ज़्यादा आई है वो हमारा फॉल्ट ही है, हम उसको वापस कर देंगे, ठीक है। 3 रुपीज़ प्रीमियम में जाएंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा प्रीमियम, 1, 2, 3, 4, 15, 18, 24, 25, 2 लाख, नहीं 25 लाख, 50,000, ठीक है, क्लियर हो गया। अब रिजेक्ट कितने किए हैं, जो बचे हुए वो सारे रिजेक्ट कर दिए, एक तरह से आ रही है बात समझ में भाई। 20 लाख के लिए पैसा आया, 8,50,000 ही ऑफ़र किए थे, इनडायरेक्टली कहना चाह रहा है 11,50,000 13 के अकॉर्डिंग पैसा मिला था, तो 13 के अकॉर्डिंग वापस देंगे, समझ रहे हैं। अगर प्रीमियम के अकॉर्डिंग पैसा मिलता है तो प्रीमियम को के अकॉर्डिंग ही हम उसे वापस करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 1,49,50,000, ठीक है बेटा, थोड़ी अमाउंट ज़्यादा हो गई, 1,49,50,000 रुपीज़ हम उनको इसका मतलब वापस कर देंगे, समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो यहाँ पर जो 3 लाख आ रहा है वो रिजेक्ट करा और इनडायरेक्टली वो भी रिजेक्ट किया, तो दोनों ही मतलब ये सिर्फ कन्फ्यूज़न इसमें क्लियर कर लेना आप अपना, तो इनडायरेक्टली यही 11,50,000 ही रिजेक्ट किए एक तरह से, इसलिए 2 बैंक आएगा, ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, देखो 1,49,50,000, ठीक है, ये अमाउंट रिफंड कर दी। कह रहा है गोविंद लिमिटेड इशू ए प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन 20,000, एप्लीकेशन कितने के लिए इनवाइट किया है, 20,000, शेयर ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम, 10 वाला 13 में, पेबल 4th एप्लीकेशन पर, 5 अलॉटमेंट पर, प्रीमियम इंक्लूडेड है, तो प्रीमियम था कितना 3, इसका मतलब अलॉटमेंट के 2 रुपीज़ आएंगे और प्रीमियम के 3, 2 फर्स्ट कॉल पर और 2 फाइनल कॉल पर, एप्लीकेशन पर रिसीव्ड फॉर 27,000, लेकिन एक्सेस एप्लीकेशन है, हमने कितने के लिए ऑफ़र किए थे 20,000, उन्होंने कितने के लिए अप्लाई किया है 27,000 के लिए, ठीक है। कह रहे हैं क्या क्या किया इन्होंने, 16,000 को तो फुल अलॉटमेंट दे दिए, इसका कहीं यूज़ नहीं आता वैसे, ठीक है, 6,000 यहाँ पर आता है मेन पॉइंट, 6,000 वाले शेयर्स को हमने कितना 4,000 ही दिए हैं, क्लियर हो गया, 6,000 वाले शेयर्स को हमने 4,000 ही शेयर दिए हैं, क्लियर। 5,000 वालों को रिजेक्ट कर दिया, मतलब ये तो 2 बैंक हो जाएगा, कह रहा है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कह रहा है, तो इसका मतलब जो ये वाला पैसा है ये किस पे एडजस्ट करेंगे हम, अलॉटमेंट पर, क्योंकि कुछ नहीं कह रहा 5,000 को क्योंकि रिजेक्ट कर दिया, इसका मतलब जो 2,000 रुपीज़ हमें एक्स्ट्रा मिले हैं ना, हमने 6,000 वाला जिन्होंने अप्लाई किया था, मतलब पब्लिक ने मांगे थे 6,000 के अकॉर्डिंग हमें पैसे दे दिए थे, हमने उन्हें कितने दिए, सिर्फ 4,000 शेयर्स ही अलॉट किए हैं, तो इसका मतलब 2,000 रुपीज़ इंटू जो भी पैसा मिला है उसको किस पर एडजस्ट करेंगे हम, अलॉटमेंट पर, समझ गए। ये थर्ड सिचुएशन है जो मैं कह रही थी आपको मेरी इससे पहली वीडियो में कि मैं ये एग्जांपल आपको इसमें कराऊंगी, वैसे मैं करा चुकी हूँ, उसे देख लेना एक बार। कह रहा कैश बुक बनानी है
तो सारी बैंक की जगह सारी ट्रांजेक्शन किस में जाएंगी, कैश में। और ड्यू ऑन द, वो कह रहा है कि और ये एज्यूम करना है कि जो अमाउंट ड्यू है ना वो अलॉटमेंट परचेस्ड होगा और कॉल हैव बीन रिसीव्ड, और सारी कॉल रिसीव हो गई हैं, ठीक है। सम जो है ना ये ड्यू कह रहा है ना अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है, ओके। अब देखो मैं पहले कैश बुक के लिए फॉर्मेट, ये रफ पेज हो जाएगा, ये कैश बुक बन जाएगी, कैश बुक बनाएंगे हम। कैश बुक हमारी क्या होती है, कैश एसेट होती है, तो एसेट का कौन सा नेचर होता है, डेबिट नेचर, तो इंक्रीज होती है तो यहाँ आती है, और डिक्रीज होती है तो यहाँ आती है, ठीक है। और इसका फॉर्मेट क्या बनता है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, एसेट होती है और डेबिट नेचर होता है, तो इसलिए डेबिट इंक्रीज और क्रेडिट डिक्रीज, ठीक है। ये बन गया फॉर्मेट। अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। सबसे पहले मैं नॉर्मली आपको रफली वाला जो रफ वर्क वर्किंग नोट बनाएंगे। पहले हम 20,000 शेयर्स थे, 27 के लिए एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई, तो इसका मतलब 7,000 एक्सेस एप्लीकेशंस है। किसके अकॉर्डिंग पैसा मिला होगा, एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग, 4 रुपीज़ की एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन कितनी है 4 की, अलॉटमेंट है 2 × 3, ये प्रीमियम के, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल है, फर्स्ट कॉल है 2 रुपीज़ और फाइनल कॉल है 2 रुपीज़, ठीक है। तो इसका मतलब 28,000 एक्सेस मनी है एक तरह से, एसेस मनी है, जिनमें से वो कह रहा है 5,000 शेयर एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग 4, मतलब 20,000 तो क्या कर दिए मैंने, रिजेक्ट कर दिए, क्या कर दिए रिजेक्ट, ये कंफर्म हो गया, मतलब 2 बैंक ये जाएंगे किस में, 2 बैंक में वापस कर दिए। अब बची बात कौन सी, अलॉटमेंट की, कौन से एडजस्ट किए हैं, इनमें से 6,000 शेयर्स को हमने 4,000 इशू किए हैं, इसका मतलब एक्सेस एप्लीकेशन कितनी मिली थी, 2,000, किसके अकॉर्डिंग 4 के अकॉर्डिंग, मतलब 8,000 रुपीज़ जो एक्सेस मिले हैं उनको किस पर एडजस्ट करोगे, अलॉटमेंट पर, किस पर एडजस्ट कर दोगे, अलॉटमेंट पर। आ गई बात समझ में, ये देखो हो गए ना क्लियर, 5,000 वालों को तो नील कर दिया, बिल्कुल नील दिए ही नहीं, और 4,000 वो कह रहा है 6,000 वालों को 4,000 दिया है, और जो भी एक्सेस है ना वो अलॉटमेंट पर एडजस्ट करना है, तो इसका मतलब एक्सेस कितनी मनी आई होगी, एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग 8,000, ये किस पे एडजस्ट कर दिया, अलॉटमेंट पर, क्वेश्चन में यही कह रहा है सिर्फ, क्लियर हो गया, ठीक है। अब आसान हो जाएगा, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, हो गए ना, देखो एक्सेस आए थे 28,000, तो 20 को अगर रिजेक्ट कर दिया और 8 को एडजस्ट कर दिया, हो गए ना एडजस्ट 28,000, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर कर लें, नहीं बड़ा क्वेश्चन है, चलो यहाँ पर ही कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो बेटा एप्लीकेशन का 27 के अकॉर्डिंग पैसा आएगा, इसलिए कैश बुक में जाएगा डायरेक्ट, चाहे तो आप एंट्री कर सकते हैं फिर कैश बुक बना सकते हैं, वो कह रहा है कैश बुक बनानी है तो आप डायरेक्ट बनाएं। इसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, है ना, यही होगी। अब बैंक की जगह हमें कैश करना है तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना 27,000 का 4 के अकॉर्डिंग मिला है, 0,001,08,000, समझ में आ गया। अब हम इसको ड्यू करने की एंट्री करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और अलॉटमेंट पर एडजस्ट कराए, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट और कुछ रिजेक्ट किया है, टू बैंक अकाउंट,
ठीक है, टोटल हमें मिला कितना है, 1,08,000, 1,08,000, ठीक है। जबकि कैपिटल पे कितना एडजस्ट करना था, 20,000 का, 20,000 शेयर थे ना 10 के अकॉर्डिंग, ये मैंने कैलकुलेशन सही किया, 1,23,728,700, मतलब नहीं कैपिटल में जाएंगे कितने रुपीस, तो यहाँ पर 10 क्यों आएंगे, यहाँ पर आएंगे 4 रुपीस, तो यहाँ पर 80,000 आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, एप्लीकेशन पे जबकि कैपिटल में जाने कितने थे 80,000 रुपीस, अलॉटमेंट पे मैंने वापस कितना कर दिया, वही यही वाला एक्सेस जो अभी हमारी अमाउंट आई थी 2,000 का 4 के अकॉर्डिंग मैंने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया है, तो 2,000 का 4 के अकॉर्डिंग, एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग 8,000 हमने अलॉटमेंट पे एडजस्टेड कर दिया। रिजेक्ट कितने कर दिए हमने, उसने क्या रखा है 5,000 के रिजेक्ट कर दिए, तो 20,000 के अकॉर्डिंग, ठीक है। 10 मैंने ये सोचा था, 10 तब आता जब एक ही एंट्री करनी होती, लेकिन जब ऐसे एंट्री करनी होती है तो सिर्फ एप्लीकेशन मनी आती है भाई, 20,000 के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन मनी 4 है, जाने थे कैपिटल में 80,000, 2,000 को हमने कहा है अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया, कौन से वाले 2,000, जो ये 6 वाले यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, अच्छा 6 वाले शेयर को 4 जो अलॉट किए ना, ये 2,000 जो एक्सेस हैं, 2,000 किसके अकॉर्डिंग, एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग ही मिला होगा हमें पैसा, है ना, तो 8,000 अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दिए, और 5,000 4 के अकॉर्डिंग नील कह रहा है, तो मतलब रिजेक्ट कर दिए। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद अब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे इक्विटी शेयर, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अगर प्रीमियम होता है तो हमेशा ड्यू वाली एंट्री के साथ ही होगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। कितना 20,000, देखो एक और बात, यहाँ पर ही सिर्फ 27 अलॉटेड है ना, इनकी बात होगी, और सब में 20,000 जितने ऑफर होते हैं सब में उनकी बात होती है, ठीक है। 20,000 के मिले कितने, अलॉटमेंट में आए कितने हैं, 5 रुपीज़ हैं, सॉरी 1,00,000, जिनमें से 2 रुपीज़ तो अलॉटमेंट में जाएंगे मतलब कैपिटल में, और 3 प्रीमियम के हैं, तो यहाँ पर आ जाएंगे 40,000 रुपये, और 3 के अकॉर्डिंग 60,000 प्रीमियम के मिले, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम रिसीव की एंट्री करेंगे, देखो मिलने थे 1,00,000, 8 तो पहले ही मिल गए हैं, तो अब वो सामने वाला 8 तो देगा नहीं क्योंकि पहले ही दे दिए हैं उसने, तो अब वो कितने देगा, 92,000 रुपीज़ देगा ना, तो जब एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, या कैश अकाउंट बनाना है तो कैश अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, तो वो डायरेक्ट यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कितना 92,000, आ गई बात समझ में, 1 मिलने थे, 8 पहले ही दे चुके तो 92,000 मिलेंगे, एंट्री ये होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इसलिए डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है, कैश बढ़ेगा। थर्ड क्या है, अब तो बहुत सिंपल हो गया, अब कुछ नहीं है क्वेश्चन में, तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल की ड्यू करने की एंट्री कर देंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 20,000 शेयर्स का फर्स्ट कॉल का 2 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 40,000 रुपीज़ मिलना चाहिए था, सारा मिल गया, कुछ कह ही नहीं रहा क्योंकि, तो मिलेगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 40,000, ठीक है, डायरेक्ट एंट्री कर दी। सेम ऐसे ही फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू के अकॉर्डिंग ये फाइनल कॉल भी, हाँ
तो 40,000, 20,000 इंटू टू 40,000 मिल गई सारी की सारी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 40,000। यहाँ मैंने बैंक कर दिया क्योंकि कैश अकाउंट कह रहा है, तो यहाँ पर आप कैश कर लेंगे, क्या कर लेंगे कैश, ये वापस कर दिया तो इसकी वजह से कैश कम हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय इक्विटी, किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है, एप्लीकेशन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो रिजेक्ट कर दिया था 20,000। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब बस कुछ नहीं करना, बैलेंसिंग फिगर से बैलेंस कैलकुलेट कर लो, कितना आ जाएगा ये मैं टोटल कर लेती हूँ, इनको टोटल करेंगे तो हमारा 280 आ रहा है, 2,80,000। यहाँ पर लिख दोगे 2,80,000 और 20 को माइनस कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा बाय बैलेंस, बैलेंस कैरी डाउन कितना 2,60,000। आ गया समझ में, ठीक है, क्लियर हो गया होगा आई थिंक बेटा। तो ये हो गई इसकी कैश बुक और ये रहा इसका जर्नल एंट्रीज, क्लियर, और ये रहा इसका रफ वर्क। ठीक है, थैंक यू सो मच, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल बेटा, थैंक यू।